नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः हम बातें कर रहे हैं नीट रिवीजन सीरीज की। रोटेशनल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे अपन बातें कर रहे हैं। लेक्चर वन लेक्चर टू रिवीजन में अपन बहुत सारी बातें, यानी कि वन जो था वो मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन से रिलेटेड था, टू में अपने टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें की थी। अभी अपने को जो है आगे बढ़ना है और बातें स्टार्ट करते हैं अपन मास वाली पुली से। मास वाली पुली से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन CTR, यानी कि रोलिंग मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अपने को खूब सारे सवाल प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। फिर अपन छोटा सा आइडिया लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, जिसकी कोई खास जरूरत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, और देखेंगे प्रीवियस ईयर के सवाल और एक बार पुनः आपको साबित करेंगे कि बहुत आसान है सारे सवाल। बस आपको जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखने की और पॉजिटिव होके एग्जाम में जाने की, बाकी सब आपको आता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आइए खेला स्टार्ट करते हैं मास वाली पुली से। कहां से? मास वाली पुली से। मान लो कि अपने पास एक पुली है भाई साहब। ओहो, इससे पहले यानी कि इस चैप्टर में आने से पहले हमारी ये पुली फ्रिक्शन वाली होती थी, मासलेस हुआ करती थी, लेकिन इस चैप्टर में हमने ये समझा कि अगर ये मास वाली पुली आ जाए, अगर ये मास वाली पुली आ जाए, मैंने कहा इसमें मास है भाई साहब, इसमें क्या है? मास है। मान लो कि ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। मास एम है, रेडियस आर है, और यहां पे हमने लगा दिए हैं दो ब्लॉक। ये ब्लॉक का मास एम वन है, ये ब्लॉक का मास मान लीजिए एम टू है। ओ, और मान लीजिए कि ये वाला जो धागा है, ये वाला धागा भी आपका मास वाला है, मास ऑफ स्ट्रिंग ले लिया था। और मान लो कि मैं ये बोलूं आपको M1 greater than M2 है, तो क्या हुआ था? तो भाई साहब M1 जी बड़ा होगा किससे? M2 जी से। M1 जी बड़ा होगा M2 जी से, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन A है, इसका एक्सेलरेशन A है। माना कि यहां की टेंशन T1 है, यहां की टेंशन T1 नहीं होगी, क्योंकि बीच में एक मास वाली स्ट्रिंग आ रही। थोड़ा आसान करने के लिए अपन ने मास ऑफ स्ट्रिंग को जीरो लिया था, थोड़ा आसान करने के लिए, इतना दबाने वाला नहीं है। अगर मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो हुआ तो फिर यहां से लेके यहां तक का टेंशन सेम होगा, यहां से लेके यहां तक का टेंशन सेम होगा, लेकिन भाई साहब टी वन एंड टी टू सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में एक फ्रिक्शन वाली सरफेस आ रही है, ये है ना। ओ, तो यहां का टेंशन मान लीजिए क्या है? टी वन है, और यहां का टेंशन क्या है? टी टू है। तो अगर आपको याद हो तो पहली इक्वेशन यहां पे लिखी जा सकती है एम वन जी माइनस टी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए। बस, और क्या है भाई साहब? ओहो, यहां पे अगर आप देखेंगे तो टी टू, टी वन एंड टी टू सेम नहीं होगा, टी टू माइनस एम टू जी, टी टू माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए। ये आपका हो जाएगा रिश्ता नंबर दो। और क्या ये रोप जो है इस वाली पुली पे स्लाइड कर रही होगी? मैंने कहा नहीं। क्या हो रहा होगा? ये पुली खुद ही ऐसे घूम रही होगी अल्फा एक्सेलरेशन के साथ में। किस कैसे? अल्फा एक्सेलरेशन के साथ में। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टॉर्क लग रहा होगा किसका, अगर आपको याद हो तो ये जो पुली है इस पे इधर की तरफ T1 लग रहा है, इधर आपके पास T2 लग रहा है ना। अगर आप इस रोप का FBD बनाएंगे, रोप का FBD बनाएंगे, तो आप ये पाते हैं कि T1 भाई साहब इधर लग रहा है, T2 आपका इधर लग रहा है, फ्रिक्शन जो होगा वो रोप पे इधर लग रहा होगा, पुली पे टेंजेंशियली आगे लग रहा होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ही पुली को घुमाता है, अगर आपको याद हो तो। वैसे अपन थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, इसकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जरूरत नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि टी वन माइनस टी टू माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आपने मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो ले लिया तो फ्रिक्शन के खुद की वैल्यू ही टी वन माइनस टी टू आ जाएगी, और ये फ्रिक्शन का टॉर्क ही होता है। अगर आप इस पुली की एबिलिटी बनाएंगे तो क्या होगा? रोप पे डीएफ 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 डीएफ, फ्रिक्शन इधर लगता है, पुली पे इधर लगेगा, और वो टॉर्क ही इसको घुमा रहा होगा। किसका? फ्रिक्शन का टॉर्क। क्या आएगा भाई साहब? एफ इंटू आर, एफ इंटू आर है, जो कि टी वन माइनस T2 into R हो जाएगा। ओह, तो यहां पे फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, यानी कि F into R, F into R, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? T1 minus T2 into R, जो कि टॉर्क है, T1 R minus T2 R is equal to, मैंने कहा भाई साहब I अल्फा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? I अल्फा होना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं टॉर्क क्या होता है? I अल्फा होता है। ओ हो, I की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मास m, रेडियस r, ओ, I की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी, इंटू अल्फा आएगा। अब आप एक बात सोच के देखिए,
कि एक बिंदु इस यहां पे है और एक बिंदु रोप पे है, रोप वाले की एक्सेलरेशन ए होगी और इसकी क्या होगी अल्फा इंटू आर हो जाएगी। तो भाई साहब स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू अल्फा आर है। तो ये आपके पास रिश्ता नंबर 3 हो गया, ये आपके पास रिश्ता नंबर 4 हो गया। वेरिएबल्स यहाँ पे कौन है, T1, T2, ए एंड अल्फा। क्या भाई साहब सोल्व करके सारे वेरिएबल पता किए जा सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, क्या हमें करने की कोई खास जरूरत है, मैंने कहा नहीं। हमने पहले पढ़ा था, एक आइडिया आपको दे दिया है कि भाई साहब इस तरह से अपन मास वाली पुली विद फ्रिक्शन से डील कर सकते हैं। क्या ज्यादा सवाल नीट में इससे आएंगे, मैंने कहा नहीं आएंगे, इतना नॉलेज होगा तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में फ्रिक्शन है तो टेंशन सेम होने वाली नहीं है। बाकी एक बार आप आइडिया ले 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 ले, इस पुली को कौन घुमाता है, पुली को कौन घुमाता है, T1 T2 की फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन घुमाता है। सौभाग्य से फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो T1 - T2 के बराबर आ जाएगी अगर आप मास ऑफ स्ट्रिंग को 0 लेके चल रहे हैं। बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। बाकी आपने समझ लिया है तो आएगा तो भी आप कर लेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओहो, अपन आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट करते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से इसको आप क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। हेडिंग डाल दीजिए CTR या फिर रोलिंग मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब CTR या फिर आप कहीं कहीं इसको रोलिंग मोशन के नाम से भी पढ़ेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बॉडी क्या कर रही है, एक बॉडी है भाई साहब तो धरातल पे रखी हुई है, साइकिल का टायर समझ लीजिए इसको, और क्या हो रहा है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है और ये सेंटर ऑफ मास क्या और ओमेगा से घूम रही है। तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, बॉडी तो दोनों काम कर रही है, यानी कि इस तरह की मोशन को कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोला गया है क्योंकि रोलिंग के नाम से जाना जाता है। अगर एक बॉडी CTR कर रही है यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है तो क्या क्या लिखा जा सकता है। मैंने कहा कि अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला पार्टिकल जो होगा इसकी पोजीशन पहले बताओगे क्या आप, इसकी बाद की पोजीशन लिख सकते हैं। मैंने कहा किसका यूज होता था, सेंटर एक एक आदमी को सेंटर ऑफ मास पे बिठा देते थे फोन देके और एक को ग्राउंड पे, फिर एक अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि इस तरह की मोशन का एनालिसिस करना तब आसान होता है जब अपन इसकी मोशन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, वन इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड वन इज द मोशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दोनों को कंबाइन करते हैं तो अपन पता कर लेते हैं कि भाई साहब बॉडी की मोशन कैसी हो रही है ना। सेंटर ऑफ मास में हम की 3 पॉइंट बताए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यार सेंटर ऑफ मास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हम चीटा को बिठाएंगे ताकि अपन CTR के मोशन का एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, जो चीटा ने देखा प्लस चीटा क्या कर रहा था वो हमने देखा, दोनों को कंबाइन कर देंगे वेक्टर की फॉर्म में तो अपने को जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी क्या कर रही है वो पता लग जाएगा, है ना भाई साहब। जैसे आपको बोले कि यार ये वी और ये ओमेगा से घूम रहा है, एक पार्टिकल पी है, आपको बोले कि भाई साहब ओमेगा है बेसिकली, बेसिकली आपको बोल दे कि ओमेगा इज बेसिकली पाई बाई टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल पी यहां पे है, और मान लो आपको बोले कि यार पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड की रेट से घूम रहा है तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे साहब कि ये कुछ आगे बढ़ जाएगा और जो सेंटर वाला पार्टिकल है वो यहां से इतनी दूर चला जाएगा 2 सेकेंड के बाद में, वो तो चल रहा है सिर्फ, तो 2 × v इतना दूर चला जाएगा, कितना 2 × v, अरे रफ्तार भी है। और अब हमने चीटा को बोला कि चीटा गोदी कहां था, सेंटर पे था, उसको बोला तुम कितने तुम्हारा क्या हुआ वो हमें पता है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगा, बोल रहा हम तो मुझे तो घूमता हुआ लगा दिया, मैं चल रहा हूं मुझे नहीं पता। उसने बोला कि यार पाई बाई 4 से घूम रहा हूं तो मेरे लिए थीटा हो जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल घुमा है पाई बाई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, टी की वैल्यू आपने 2 डाल दी। बोला कि पाई बाई 2 घूम गया है, कौन सी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, जो पार्टिकल पी यहां पे था अब वो कहां आ गया है, यहां पे आ गया है। अरे आंखी नहीं यार, नई पोजिशन प्राप्त कर ली क्या हमने, बिल्कुल, क्या इनिशियल पोजिशन पता है, क्या आपका क्या कोऑर्डिनेट पता किए जा सकते हैं। मैंने कहा ओरिजिन वगैरह दे, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे, पोजिशन कोऑर्डिनेट पता किए जा सकते हैं, इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन, अगर दोनों पोजिशन पता है, अगर दोनों पोजिशन पता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट पता किया जा सकता। मैंने कहा हाँ। अच्छा, अगर आपको याद हो एक प्योर रोलिंग की बात की थी हमने,
v इज इक्वल टू ओमेगा आर अगर केस लेके चले, तो हमने ये पता किया था कि ये जो पाथ आने वाला है, ये जो पाथ आने वाला है टायर के केस में, किसके केस में, टायर के केस में, हमने फोटो बना के आपको बताया था, ये पार्टिकल मान लो यहां है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, प्योर रोलिंग का केस है, थोड़े टाइम बाद में यहां चला जाएगा, थोड़े टाइम बाद में यही पार्टिकल यहां चला जाएगा, तब तक ये आगे भी जा रहा है, थोड़े टाइम बाद में ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद में ये पार्टिकल घूम के लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा। अगर इसके पाथ को देखा जाए तो ये जो साइक्लॉइड पाथ आता है, कैसा पाथ आता है, साइक्लॉइड, साइक्लॉइड, और ये दूरी 8r के बराबर आती है और ये वाला दूरी 2πr आएगा, क्या आएगा 2πr, एक सर्कल में आप घूम लेंगे पूरा, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे 2πr और आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है वो 8r घूम जाएगा। कंडीशन तभी वैलिड है जब v इज इक्वल टू ओमेगा r हो और नीचे की सरफेस आपके पास रुकी हुई हो। प्योर रोलिंग की बात करो, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत छोटी सी बात हमने की यहाँ पे, फिर अगर बॉडी क्या कर रही हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, हम पोजीशन पता कर सकते हैं, मैंने कहा डिस्टेंस पता कर लिया, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया, मैंने कहा अगर बॉडी सीपीआर कर रही हो तो फिर वेलोसिटी और स्पीड कैसे लिखते हैं, अरे आगे नहीं यार है ना, तो ये भी देखते हैं। जैसे अगर आपको बोले कि एक पार्ट की बॉडी है जो कि v से चल रही है और आपके लिए ओमेगा से घूम रही है, क्या हो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, आपको बोले कि भैया यहां पे कोई रेंडम पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट p है और यहां से मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट P की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार क्यों होगी, तो आप बोलेंगे भाई साहब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दीजिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये ओमेगा से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए पार्टिकल को दिखाई देगा ओमेगा आर इस साइड, मैंने कहा इसमें क्या ऐड करना है, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, सेंटर ऑफ मास की खुद की रफ्तार क्या है, वी है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस पॉइंट की रफ्तार मिल जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया है, निकाल अच्छा क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, मेरे को बिल्कुल आ जाएगा √ v² ओमेगा r² cos थीटा 2i ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा, अरे आप ही नहीं यार रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, मैंने कहा भाई साहब ओमेगा r इस साइड होगा, v भी ऐसे होगा, ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, मैंने कहा भाई साहब ओमेगा r पीछे होगा, v इस साइड होगा, इस वाले पॉइंट पे मैंने कहा ओमेगा r ऐसा होगा, v इस साइड होगा, ये वाले पॉइंट पे मैंने कहा v ऐसा होगा, ओमेगा r ऐसा होगा, बाकी आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें। अगर प्योर रोलिंग और रुकी हुई सरफेस पे v इज इक्वल टू ओमेगा r बराबर होते हैं तभी पॉइंट आपका रेस्ट पे आ जाएगा। उनका अच्छा अगर बॉडी चल रही हो मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही हो तो इस तरह से दोनों का कंबाइन कर लेंगे, किसी भी पार्टिकल की रफ्तार होगी पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस उसमें क्या कर देंगे सेंटर ऑफ मास खुद की रफ्तार। उनका अच्छा बहुत फास्ट थोड़ा सा बता रहा है मास्टर, ताकि भाई रिविजन करवा रहा है यार है ना, अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है अपना 16-17 लेक्चर का, बहुत ज्यादा डेप्थ में उसके लास्ट में, लास्ट के 4-5 लेक्चर्स में जाइएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में वहां पे चीजें मिल जाएगी, अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको सीखनी हो तो। बाकी हम जो है वो रिवाइज करवा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बता रहे, फिर आपके प्रीवियस ईयर के सवाल आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको ये साबित कर दिया जाएगा कि इतने नॉलेज प्लस आपका कॉन्फिडेंस दैट्स ऑल है ना, दैट्स ऑल व्हाट यू वांट इन द एग्जाम, मतलब वो आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं जरा, मान लो कि इसी वाले चीज में हमें एक्सेलरेशन चाहिए होती तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए खेला खेलते हैं भाई साहब, आइए खेला खेलते हैं, इसी में एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मान लो कि पार्टिकल क्या कर रहा हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा हो, ओहो रफ्तार मान लो वी है, एक्सेलरेशन ए है, घूम रहा है ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा है। मान लो कि रेंडम पॉइंट उठा लिया मैंने यहां पे, ये एंगल थीटा है, इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, मैंने कहा एक बात बताओ सेंटर ऑफ मास में क्या होगी, सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए पार्टिकल को क्या लग रहा होगा, मतलब यहां बैठे हुए चीटीटा को क्या लग रहा होगा, ये सर्कुलर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओह तो इसको लगेगा कि ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड है, ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड है, अल्फा आर इस साइड है, मैंने कहा इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर लो, ये इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही आपके लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट आपको चाहिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपके लिए ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो इस साइड आएगी, अल्फा इंटू आर इस साइड आएगी और ए जो है वो ऐड कर दी इसमें आएगी, लोअर मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड
अल्फा आर अगर आप ऐसा घूम रहा है इस साइड और ए इस साइड आ जाएगा, इन तीनों वेक्टर का रिजल्ट देंगे आपको क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन। लोग बोलेंगे भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब आप अगर कोई बूढ़ी सीटीआर कर रही हो तो उसके पोजीशन वेक्टर पता कर लिए, उसका डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया, उसका डिस्टेंस पता कर दिया, एट आर अगर प्योर रोलिंग और वायर उसकी बात करें पास साइक्लॉइड आया था, फिर अपने स्पीड पता कर ली, जैसे वेलोसिटी पता कर ली जिसका मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा स्पीड देगा, फिर अपने आपने एक्सेलरेशन पता कर ली। मैंने कहा और भी कुछ बातें होती है, हाँ वो मान लो कि ये बॉडी है हमारे पास, यही बॉडी में पूरी पीएचडी कर रहे हैं, मान लो कि ये बॉडी की रफ्तार भी है और ये वाला एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और क्या पूछे आपसे, बोले कि लीनियर मोमेंटम बताएं, क्या बताएं, लीनियर मोमेंटम बताएं, तो मास एम ए भाई साहब घूमने से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम है, यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। पेन चेंज कर देते हैं, कितना घटिया से चल रहा है, घूमने से इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा लीनियर मोमेंटम हो गया भाई साहब काइनेटिक एनर्जी भी तो पूछ सकता है ना, बताइए आप जरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगी वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्पीड का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम और ओमेगा स्क्वायर। ये हमने प्रूव किया था ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल दोनों, अगर बॉडी चल भी रही है घूम भी रही है तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी आएगी। अरे भैया चलने का भी होता है और घूमने का भी होता है, तो यहाँ बॉडी दोनों काम कर रही है। एक और चीज बच जाती है यहाँ पे, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्या है एंगुलर मोमेंटम? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत। वो क्या होता है, मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करने के लिए ये पॉइंट पता करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मान लो कि ये वाली दूरी क्या है, r है, और मान लो कि ये वाली दूरी r मैंने ले ली, ओहो ये क्या हो गया है, मान लो ये वाली दूरी मैंने 2r ले ली तो टोटल क्या हो गया है 3r। मैंने यहां से एक पॉइंट p पे चला गया, मान लो कि यहाँ पॉइंट है p और ये वाली दूरी है आपका, अब क्या हो गया है 3r हो गया है, ये 4r ले लेते हैं टोटल ये 5r हो जाएगा। आपको बोले कि एंगुलर मोमेंटम बताइए इस बॉडी का, ये बॉडी क्या कर रही है CTR कर रही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट पी। तो भाई साहब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का बता दो प्लस आपका मास एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रॉम COM सेंटर ऑफ मास से बता दीजिए। ये है बेसिकली कुछ कुल बात। थ्रो प्रोब वगैरह हमने बहुत डेप्थ में पहले ही बातें कर ली है, कहते यहाँ पे बातें करने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में बोलो क्या होगा, मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन बात करें तो भाई साहब क्या होगा सेंटर ऑफ मास को। मैंने कहा अच्छा सेंटर ऑफ मास चल रहा है चलती हुई बॉडी के लिए होता है MVR पर परपेंडिकुलर आर क्रॉस पी, कल ही बातें की थी लास्ट वाली क्लास में, आर क्रॉस पी चलने वाली बॉडी के लिए और आई ओवे का घूमने वाली बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो यहां से चलने वाले के लिए M का मतलब M हो गया टोटल, V जो सेंटर ऑफ मास की, R परपेंडिकुलर क्या है ये वाला पॉइंट है आपके लिए, ये आपका R वेक्टर, लेकिन परपेंडिकुलर वाली दूरी क्या है 3R है, जो ये आपका ये 3R हो गया, और R क्रॉस P ये आपका R वेक्टर हो गया, P वेक्टर VV वेक्टर के अलोंग होगा, R क्रॉस P कौन से डायरेक्शन में आ रहा है अंदर की तरफ, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास का पॉइंट अबाउट विच द वी हैव टू कैलकुलेट। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट होगा तो फिर अलग अलग पॉइंट उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बॉडी का अलग अलग आने वाला, ये पूरा खेला नहीं हुआ है। प्लस आपको एंगुलर मोमेंटम बॉडी फ्रॉम COM पे बैठ जाएंगे तो ये बॉडी घूम रही है आई ओमेगा से, तो आपका आ जाएगा आई ओमेगा ये भी कैसा आ रहा है अंदर की तरफ। अब अगर रिंग होगा तो MR² हो जाएगा, और अगर वही डिस्क हो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई साहब MR² / 2, बाकी अलग अलग केस में अलग अलग आने वाला है ना, जैसे होलो स्फीयर हो गया तो अलग आएगा, सॉलिड स्फीयर होगा तो आई की वैल्यू अलग अलग आएगी। अच्छा ओ हो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत डेप्थ में हमने इन सब बातों को किया था, जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो हमारे लिए लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस
सब लिखना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, कोई बहुत ही टफ चीज नहीं है। लोग बोलेंगे सब लिख लिया भाई साहब, अब फायदा क्या होगा। मैंने कहा अब तो आप सवालों में लगाओ धड़ाधड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रोली की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एक चीज आती है प्योर रोलिंग। थोड़ा सा एक नाम आता है, डरने की कतई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन प्योर रोलिंग के बारे में। किसके बारे में? प्योर रोलिंग। लोग बोलेंगे अला ये प्योर रोलिंग क्या है बे, बाकी वाली क्या इम्प्योर होती है? मेरे जरा ध्यान से देखें। मान लो कि ये वाला आइटम जो है अपने पास, यहाँ पे एक स्पेयर मान लेते, कुछ भी मान लेते, इसकी रफ्तार कुछ दे देते हैं, मान लो कि वी है और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, और नीचे की सरफेस मान लेते हैं ऐसे ऐसे, ये सरफेस है, माना कि सरफेस की रफ्तार मान लेते हैं वी वन, कुछ भी मान लिया मैंने वी वन मान लिया भाई साहब, वी डैश मान लिया, क्या मान लिया है मैंने वी डैश मान लिया। मस्त एकदम एक प्लान खुद चल रहा है, उसके ऊपर एक आइटम भी चल रहा। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है ना, हमारा जो इंटरेस्ट है ना बेसिकली वो ये पॉइंट पे होता है जो दोनों के टच में। मैंने कहा अच्छा, ऊपर वाली बॉडी क्या कर रही है? सीटी आर। ये पॉइंट की रफ्तार क्या होगी? मैंने कहा भैया ओमेगा आर है आपके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास की ऐड कर लो तो ये आ गया, मान लो वी बड़ा है तो उस पॉइंट के पास रफ्तार हुई वी माइनस ओमेगा, और उसके जस्ट नीचे जो प्लांक पे पार्टिकल है इसकी रफ्तार क्या हुई? मैंने कहा इसकी तो वी डैश हुई। ओ, और अगर फ्रिक्शन को सेटिस्फाई होना है, फ्रिक्शन तो नहीं चाहता ना कि भाई साहब रिलेटिव स्लाइडिंग हो, फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, तब क्या होना चाहिए? तब मैंने कहा v माइनस ओमेगा r मस्ट बी इक्वल टू v डैश। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इसका मतलब फ्रिक्शन भाई साहब सेटिस्फाई हो गए, यानी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तब जो रोलिंग हो रही है उसको प्यार से क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 22 कैरेट 24 कैरेट, ऐसा कुछ नहीं है, बस जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां पे दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की सरफेस रुकी हुई होती, इफ v डैश इज इक्वल टू जीरो तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आता था, तो ये जरूरी नहीं है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, नीचे वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी रफ्तार जीरो होना चाहिए, वो तो हम धरती माता पे अगर बॉडी को चला रहे हैं तो नीचे वाली सरफेस का वीडियस तो जीरो हो गया ना यार, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा तो क्या होगा? प्योर रोलिंग होगी, इसमें कोई धारा वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर इसको हमेशा प्योर रोलिंग करना है तो भाई साहब पॉइंट की रफ्तार भी दोनों की सेम होनी चाहिए और एक्सेलरेशन भी सेम होनी चाहिए। अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ये है, ये ओमेगा है, ये आपका अल्फा हो गया, नीचे वाले की एक्सेलरेशन ये डैश है, जो पॉइंट ऊपर की तरफ है मैं ऊपर वाले को ग्रीन से बना रहा हूं, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? मैंने कहा भैया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड में, अल्फा आर इस साइड में, ए इस साइड में, माना कि ए बड़ा है अल्फा आर से, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी इस साइड में ए माइनस अल्फा आर, और सेंटर की तरफ होगी ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने कहा नीचे जो काला वाला पॉइंट वो इस प्लांक पे है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? मैंने कहा इसकी ए डैश है। अब अगर आप ध्यान से देखें अगर ए माइनस अल्फा आर और ए डैश बराबर नहीं हुए तो फिर प्योर रोलिंग हमेशा नहीं होगी। हमेशा प्योर रोलिंग होने के लिए ए माइनस अल्फा आर को ए डैश के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई साहब। तो एक कंडीशन वेलोसिटी वाली ये होगी, ये प्योर रोलिंग के लिए, एक्सेलरेशन के लिए ए माइनस अल्फा आर मस्ट बी इक्वल टू ए डैश। अगर सौभाग्य से अगर नीचे की सरफेस रुकी हुई है या फिर उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आर। तब ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आर। तब क्या होगी? प्योर रोलिंग वाली कंडीशन। अपन ए इज इक्वल टू अल्फा आर लगा देंगे अगर नीचे की सरफेस रुकी हुई है। तो एक छोटा सा आइडिया था ये प्योर रोलिंग का, और फिर अपना जो है ये प्योर रोलिंग की हॉरिजॉन्टल पे बात की, इसको क्या करते ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे करते, और वहां पे मतलब ये जो है नीट वाले लोगों का फेवरेट सेक्शन बन जाता है, बहुत सारे आइटम लेता है और उसको चलाता है मस्त एकदम, मतलब दोहराए वाली कोई बात ही नहीं है, कौन पहले आएगा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ये होगा, मतलब प्योर रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन उनका काफी फेवरेट है, प्योर रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन। तो अपन उन बातों पे पढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात देखते हैं कि यार मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लगता होगा। मैंने कहा तो यार मतलब फ्रिक्शन लग रहा होता है उसका टॉर्क वर्क भी लग रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल टॉर्क वर्क भी लगता है। तो ये वर्कडन वगैरह का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ, जैसे वर्कडन होता है किसी फोर्स का, जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, मैंने एक आइटम को लिया, इसको मैंने ऐसे घुमाया, खूब सारा घुमाया है ना, मान लो कि ये क्या है, डिस्क है, मास एम है, रेडियस आर है, इसको घुमा के ना मैंने यहां पे सरफेस पे रख दिया, क्या होगा पता है? थोड़ा दूर जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा यहां पे है ना, पहले है ना फ्रिक्शन इस पे स्लाइडिंग वाला लगेगा, है ना, ये वाले पॉइंट की रफ्तार टी जीरो जीरो पे ओमेगा नॉट आर है ना, पीछे की तरफ और आगे की तरफ कुछ नहीं है, तो फ्रिक्शन उस पर आगे लगेगा डर, और क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा और फ्रिक्शन आगे लगने से इसमें एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि इसकी रफ्तार भी होगी, और वो जो फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा इसके कारण एक्सेलरेशन तो आई, एफ डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू की म्यू एम जी डिवाइडेड बाई इसका मास, उतनी एक्सेलरेशन आगे।
लेकिन ओमेगा अगर आप ध्यान से देखिए अंदर की तरफ है और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एफ इंटू आर बाहर की तरफ, तो क्या रिटार्डेशन होगी? मैंने कहा क्या ओमेगा कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये वी और ओमेगा आर बराबर हो जाएगा, वक्त के साथ ओमेगा कम हो रहा है वी बढ़ रहा है, तो ओमेगा आर वी इज इक्वल ओमेगा आर हो सकता है। मैंने कहा टी इज इक्वल टू टी पे जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर वी इज इक्वल ओमेगा आर है। सवाल ये उठता है भाई साहब यहां पे फ्रिक्शन यहां से यहां तक देखा जाए तो आगे लग रहा था फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा हुआ है? पॉजिटिव हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन ने यहां पे दो वर्क डन किए हैं, कौन से वाले? एक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। कुल मिला के बात मास्टर ये बोल रहा है कि भाई साहब वर्क डन जो है फ्रिक्शन का चलाने का जैसा होता है ना एफ इंटू डी एस, एफ इंटू डी एस फोर्स का वर्क डन होता है, वर्क डन यहां पे ट्रांसलेशनल, वर्क डन अगर घुमाने की बात करें रोटेशनल की तो टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको क्या देता है? वर्क डन देता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए एक महत्वपूर्ण नोट यहां पे बनाया जा सकता है, हमने बहुत मेहनत करके ये बात देखी थी कि अगर कोई बॉडी जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, सिंपल बात करते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जियल। यहां पे वर्क डन ऑल बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काउंट करना होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काउंट करनी होगी। एक ऑब्जर्वेशन हमने ली थी, अच्छा यहां से यहां तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, इसमें ट्रांसलेशनल वर्क भी आएगा रोटेशनल वर्क भी आता है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल वर्क पॉजिटिव है रोटेशनल नेगेटिव है, ओवरऑल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ये इनिशियली ज्यादा होती है, नेट वर्क डन जीरो आता है, नेट वर्क डन नेगेटिव आता है। लेकिन अगर आप प्योर रोलिंग कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो? प्योर रोलिंग इस पर्टिकुलर केस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में नेट वर्क डन फ्रिक्शन का नेगेटिव आएगा, चलाने का पॉजिटिव होगा, घुमाने का नेगेटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा क्योंकि घुमाने का ज्यादा हो। लेकिन इफ एक नोट बना के हमने काम की बात ऑब्जर्वेशन लिखी थी कि अगर क्या हो रही हो, प्योर रोलिंग हो रही हो, क्या हो रही हो? प्योर रोलिंग हो रही हो, प्योर रोलिंग होती है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्योर रोलिंग ऑन रुका हुआ सरफेस, ऑन रुका हुआ सरफेस, रुका हुआ सरफेस, रुके हुए सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में वर्क डन ट्रांसलेशनल प्लस वर्क डन रोटेशनल इज इक्वल टू जीरो आता है। एक पॉजिटिव आएगा, जैसे मान लो कि ट्रांसलेशनल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आता है और दोनों का सम क्या होता है? जीरो होता है। काफी जगह हमारे काम आता है, यानी नेट वर्क डन जो है रुका हुआ केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? प्योर रोलिंग हो रही होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का प्योर रोलिंग, मतलब रुका हुआ नहीं, प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो रुका हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? रुका हुआ है। तो नेट वर्क डन यानी कि फ्रिक्शन का एफ डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी थीटा या टॉर्क, आपका टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन जो है ये समझियो आना, एक पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन थी कि काम आती है कहीं कहीं पे। आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए ये उतना काम का नहीं है, वैसे काम का तो है, आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारे लिए जो काम की बातें होने वाली है वो है इंक्लाइन सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे? इंक्लाइन सरफेस पे प्योर रोलिंग, भाई साहब रोलिंग ऑन इंक्लाइन रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस, आप धैर्य बनाए रहते हैं, हम पहले थ्योरी की बातें कर रहे हैं, फिर आपके प्रीवियस ईयर के सवाल इसी थ्योरी से सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारे मतलब आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की जो भी हो, नीट हो, एम्स हो, आपका जो भी है ना। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस, ऑन इंक्लाइंड सरफेस। अच्छा भाई साहब, ओ हो, क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइन सरफेस है, यहां पे एक आइटम को हमने क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। आइटम का मास m है, रेडियस r है, जो भी है। अच्छा ये आइटम कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा जनरलाइज करने के लिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर इज इक्वल टू i था, यहां पे k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपने कभी नाम सुना हो, अगर आप किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा है उसको एम के स्क्वायर कर दे, तो के वहां पे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आता है, यानी किसी पर्टिकुलर एक्सिस से पॉइंट मास मान के, मास मतलब जो भी मास है आपका उसको पॉइंट मान के कितनी दूरी पे रख दिया जाए तो
जो परपेंडिकुलर दूरी आने वाली है वो दूरी ही आपका बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, यानी कि के की वैल्यू बेसिकली अंडर रूट ऑफ आई बटा एम होता है। तो ये जनरलाइज कर लिया, मान ले कि भाई साहब मास एम है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, के है, एक आइटम है जो यहां से रिलीज किया। अब ये आइटम कुछ भी हो सकता है, ये आइटम कुछ भी हो सकता है का मतलब ये है, कि भाई साहब अपन अलग अलग चीज को यहां से डालते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, मैंने कहा भाई साहब सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, हो फिर आपका मान लो कि भैया होलो स्फीयर हो सकता है, होलो सिलेंडर हो सकता है। जैसे मैं सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का आई हो गया आपके लिए 2/5 mr² = mk² है ना। तो आपके लिए यहां से k की वैल्यू आ जाएगी r√2/5 है ना लल्ला। ओ सॉलिड सिलेंडर है ये, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, या फिर डिस्क रख दो, क्या रख दो, डिस्क, क्योंकि दोनों ही केस में आई की वैल्यू आपके लिए mr² बनने वाली है, क्या है, mr² by 2 आने वाली है, रिंग के केस में mr² आ जाएगी = mk². तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ k की वैल्यू आ रही है r/√2। होलो स्क्वायर की बात करते हैं, होलो स्क्वायर के केस में i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होती है 2/3 mr² और इसको अगर अपन mk² कर दें तो आपके लिए k की वैल्यू आती है 2/3 r हो गया भाई साहब। उसी तरह से जैसे होलो सिलेंडर है, इसकी जगह अपन क्या डाल सकते हैं, रिंग डाल सकते हैं, क्योंकि mr² mk² तो अगर आप ध्यान से देखें तो k = r आ गया है इसके लिए, है ना। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे k बढ़ रहा है, √2/√5 r/√2 √2/√3 और फिर k ऐसे बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, फिर ये यहां से यहां तक प्योर रोलिंग करके आएगा, कैसे आएगा, प्योर रोलिंग, क्या लगाएंगे, वर्कन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्कन आएगा फ्रिक्शन का और ग्रेविटी का, नॉर्मल का जीरो, और यहां से यहां तक ये भाई साहब करेंगे प्योर रोलिंग, तो वर्कन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा, क्योंकि ये सरफेस जीरो है, ये सरफेस स्टेशनरी है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का सम क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तो ग्रेविटी का वर्कन आने वाला है सिर्फ, और ये यहां से यहां आ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन ए है और ये अल्फा है। अगर आपको याद हो तो ए की वैल्यू आई थी सोल्व करके, कहां से सोल्व करके, ला रिवीजन है ना, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, वरना फिर से रिवीजन 17-18 लेक्चर का नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, नहीं पता हो तो जो मेन लेक्चर उसमें जाके देख लें। जी साइन थीटा 1 k² / r² यानी अलग अलग आइटम होगा, अलग अलग आइटम के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग। अब जिसका के सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे सबसे कम के किसका है, मैंने कहा सॉलिड स्फीयर का है, सबसे ज्यादा के किसका है, होलो सिलेंडर या फिर रिंगवा का है। तो भाई साहब इसके लिए एक्सेलरेशन जो है वो सबसे कम होगी अगर आप इसको रिलीज करेंगे। तो अगर आप बात करें तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आने वाली है सॉलिड सिलेंडर की, किसके लिए, क्योंकि इसका के सबसे कम है, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ उसके बाद में सॉलिड सिलेंडर, देन एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर, देन एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ये दूरी मान लीजिए एल है, ये दूरी एल है, तो ये दूरी जो कवर इनिशियल स्पीड क्या रिलीज किया गया, यू जीरो है, क्या लगाएंगे आप, मैंने कहा भैया s = v² = u² + 2as लगा दीजिए, या फिर आप लगा दीजिए s = ut + ½at² ut जीरो हो गया सबका, ½at² है। अगर आपको ध्यान से देखें तो s = ut + ½at² यानी कि ½at² यानी t आपका 2l/a का रूट आ जाएगा, यानी जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, उसको यहां से आने में कम टाइम लगेगा। तो टाइम का ऑर्डर बात करें तो टाइम सबसे ज्यादा किसको लगने वाला है, होलो सिलेंडर को, सबसे कम आपका जो है इसको लगने वाला है ये। अच्छा, ओहो हो सबसे जल्दी यहां पे कौन पहुंच जाएगा, मैंने कहा कौन पहुंच जाएगा,
होलो सिलेंडर है ना, ऐसे खूब सारे सवाल आते हैं कि कोई दो उठा देगा, बोलो हाँ जल्दी कौन आया ये ला 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 ला। तो कर लेंगे यार, कर लेंगे, इसमें कोई जिसकी एक्सलेशन सबसे ज्यादा है उसको टाइम सबसे कम लगेगा। आपको बोले भाई साहब कि यहां आने पर रफ्तार जो होगी लीनियर रफ्तार वी सबसे ज्यादा किसकी होगी। मैंने कहा भैया वी अगर पता करना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा दीजिए, है ना। वो यू स्क्वायर सबका जीरो है, एस सबका सेम है, यानी कि जिसका वी जो होगा वो टू ए एस, एस तो सबका एल है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी रफ्तार ज्यादा होगी, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी लीनियर रफ्तार ज्यादा होगी, यानी कि वी ऑफ एस एस इज ग्रेटर देन वी ऑफ एस इज वी, यही सेम आने वाला है। ओ वी ऑफ एच सी। एक और चीज पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर। क्या क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर। अच्छा, यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो थी। किसी भी पॉइंट पे बीच में अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो ये वी से चल रहा होगा, ओमेगा से घूम रहा होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई को अपन डाल सकते हैं एम के स्क्वायर। खूब सवाल आएंगे, ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय टोटल, रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल का रेशियो बताएं, ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल का रेशियो बताएं। अबे तो क्या है, कर लेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। खूब सवाल, यहां बोले कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियली सब की जीरो थी, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का आने वाला है क्योंकि फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रही है, प्योर रोलिंग ऑन द रुका हुआ सरफेस, और नॉर्मल का जीरो है। अरे आप यहां से यहां आओ, अगर मास सबका सेम है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो बेसिकली एल साइन थीटा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल का ये जो डिफरेंस आने वाला है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि पॉजिटिव है, यानी कि एम जी एल साइन थीटा के बराबर आएगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा हां, काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है लोअर मोस्ट पॉइंट पे वो सबके लिए क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। हमने दो दो तरीके से इसको प्रूव किया है। बहुत सारी बातें यहां पे पूछी जा सकती है, अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर के सवालों पे, बहुत सारी चीजें यहां पे पूछी जा सकती है, बड़ी आसानी से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। भाई साहब एक्सेलरेशन का ऑर्डर निकाल दिया, टाइम का निकाल दिया, वेलोसिटी का निकाल दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी का निकाल दिया, यहां पे टी जो है वो टोटल है। भाई साहब बहुत सवाल आपके पास ऐसे आएंगे, प्योर रूलिंग कर रहा है, काइनेटिक बाई टोटल का रेशियो बताएं, टोटल बाई काइनेटिक, ट्रांसलेशनल बाई टोटल, रोटेशनल बाई टोटल, टोटल बाई रोटेशनल, ऐसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अपन करते हैं, ये था प्योर रूलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद चैप्टर में और क्या बचता है? मैंने कहा इसके बाद अगर अपन बात करें तो मैं जल्दी जल्दी, मैं वैसे भी समरी बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट सारे बता रहा हूं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवालों पे जाएंगे। क्या इसके बाद और भी सवाल बनाए जा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, खूब डेप्थ में हमने ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, वहां पे बात की है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट बताओ तो हम प्रीवियस ईयर के सवाल डील कर सकते हैं, मैं बस वो बता रहा हूं आपको। और भैया यही तो रिविजन है ना, अब इसमें और पीएचडी करने लग जाएंगे तो पूरी क्लास इसी पे लग जाएगी। ये लो बढ़िया सा सवाल बना दो, टप बना लो, ये बना लो, बना लो, बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये रिवीजन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो एक चीज देखते हैं कि यार एक टॉपलिंग नाम की चीज आती है। क्या आती है? टॉपलिंग नाम की चीज। क्या होती है वो? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ज्यादा ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा हूं, टॉपलिंग पे ज्यादा सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ रोलिंग पे खूब सवाल आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे खूब सवाल आते हैं, टॉर्क पे खूब सवाल आते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे खूब सवाल आते हैं, लेकिन भाई साहब टॉपलिंग भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, हमें चाहिए 720 बाय 720, एटलीस्ट 700 प्लस। हाँ भाई 700 प्लस लोग लाते हैं, आजकल बहुत इजी पेपर आता है तो लाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, और आप में से बहुत सारे लोग ले आएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, आइए ज्ञान लेते हैं टॉपलिंग का। क्या है टॉपलिंग? अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने एक ब्लॉक लगा रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास एम है, और इस पे मान लो कि मैंने इधर से कैपिटल एफ का एक फोर्स लगाया है। अगर मैंने कैपिटल एफ का इधर फोर्स लगाया है तो भाई साहब क्या होगा? अगर यहाँ पे म्यू जो है मेरे लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस एफ को बढ़ाने पे मतलब धीरे धीरे फ्रिक्शन जो है इसके स्लाइडिंग का अपोज करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? स्लाइडिंग का अपोज करेगा। क्यों लल्ला? क्योंकि भैया ऊपर वाली सर पे जा रही होगी, नीचे वाली सर पे बोले नहीं नहीं मैं साथ में देगी, मैं इस बात का अपोज करती हूँ, तो अपोज करेगी। भाई साहब एक मैक्सिमम लिमिट होती है इसके अपोज करने की, म्यू इंटू एन। क्या होगी मैक्सिमम
लिमिट म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल जो है वो आप जानते हैं। अच्छा ओहो, लेकिन ये फ्रिक्शन इधर लगेगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखिए सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो एम जी यहां से जा रहा है, नॉर्मल आपका यहां से जा रहा है, ये जो फोर्स है एफ ये मान लो यहां पे लग रहा है एन, है ना, या फिर तो ये और आसान कर लेते हैं, मान लो कि फोर्स जो है वो भी यहां से जा रहा है, फोर्स भी आपका यहीं से सेंटर ऑफ मास जा रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो तो रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज कर रहा था। मैंने कहा हाँ, लेकिन इसने ये कांड कर दिया। मैंने कहा क्यों, अगर आप सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो अकेला फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा होगा और वो तो इसको इधर टॉपल करवाना चाह रहा होगा, क्योंकि भैया वो कोई अपोज करने वाला नहीं है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, फ्रिक्शन तो क्या जाता था कि साथ बरकरार रहे, लेकिन ये तो स्लाइड होने की बजाय ऊपर होके अलग हो रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। फ्रिक्शन अपने भाई को बोलती है नॉर्मल को कि तू गड़बड़ हो गई यार, मैंने तो है ना, मैंने तो अपना प्यार यानी कि साथ बरकरार रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसका तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया है, ये तो पहले स्लाइडिंग करके जा रहा था, अब तो ये अलग टोकल होके जा रहा है, मुझसे अलग हो रहा है। तो इसका भाई यानी कि नॉर्मल इसकी हेल्प करता है, ये अपनी पोजिशन चेंज करता है इधर की तरफ और एक एंड डायरेक्शन में टॉर्क देता है। जैसे इनकी लिमिट है, इनकी एक औकात है कि आप म्यू एम जी यानी म्यू इंटू नॉर्मल मैक्सिमम लग सकते हैं, सिमिलरली नॉर्मल भी अपनी पोजीशन को मैक्सिमम तो इस बॉडी के एंड पॉइंट तक ही लेके जाएगा ना यार। तो ये एंटी डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है, यहां पे फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा फ्रिक्शन इनटू ये वाली दूरी, और नॉर्मल जो है आपका एम जी के बराबर है, मैक्सिमम हो सकता है, माना कि ये वाली साइड एल है तो एम जी इनटू एल बाई टू। अगर ये टॉपलिंग को रोक पाया, अगर ये नॉर्मल का टॉर्क जो है वो यहां से इसको घुमाने वाले टॉर्क को रोक पाया तो ये टॉपल नहीं होगी, और ज्यादा हो गया तो ये टॉपल हो जाएगी। खूब सारे सवाल हमने बात किए हैं, जैसे अगर आप बात करें सर्कुलर मोशन में हमने बात की थी कि गाड़ी है मान लो ये गाड़ी है अपने 420 वाले नंबर वाली, ये गाड़ी का मैक्सिमम सेफ रफ्तार था जिससे टॉपलिंग रोकी जा सके, है ना, वी इज इक्वल टू जी आर ए बाई एच। अगर एक्सल लेंथ आपके लिए क्या है 2a है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो आप मैक्सिमम इस रफ्तार से चल सकते हैं v से। अगर आपने रफ्तार को इससे ज्यादा किया, इससे ज्यादा किया तो ये स्लाइड होने की बजाय टॉपल होके बाहर की तरफ गिर सकती है ना, टॉपल होके बाहर की तरफ गिर सकती है। पेन भाई साहब चल जाओ यार, ये मैक्सिमम सेफ रफ्तार थी, ये रफ्तार अगर आप ध्यान से देखें तो एच पे डिपेंड कर रही है, एच वहां पे यहाँ पे गाड़ी का सेंटर ऑफ मास था, किससे एक्सल से हाइट थी, 2a जो था एक्सल लेंथ थी, है ना, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए फॉर्मूला वन की रेसेस में a को बड़ा रखा जाता है, यानी गाड़ी की एक्सल लेंथ की लंबाई ज्यादा होती है और गाड़ी की हाइट कम होती है, जहां की सेंटर ऑफ मास है एक्सल के जितना हो सके वो पास में रहे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, ओ हो। अब अगर इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट बात की बातें करें, टॉपलिंग पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, बाकी सवाल आप देख सकते हैं बुक में, आपने ऑलरेडी किए होंगे, ज्यादा सवाल इससे नहीं आते हैं, है ना। ओहो, एक चीज और होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई काम की नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने, अगर आपको आपने पढ़ा है तो एक बार पढ़ा है देख लीजिए। अगर बॉडी क्या कर रही हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जैसे वीचे चल रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो एक ऐसा पॉइंट बताएं जिसकी रफ्तार जीरो है, वहां से एक एक्सिस पास होगी और उसके अबाउट अपन है ना सीटीआर को प्योर रोटेशनल मान के सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है, अगर ये क्या कर रही है प्योर रोलिंग कर रही है, तो ये पॉइंट कहां कौन सा होगा, यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रुकी हुई सरफेस पे ये ऐसे है, ओमेगा आर ऐसे है, प्योर रोलिंग कर रही है, ये दोनों बराबर हो गए, तो यहां से जैसे एक्सिस पास हो रही है इससे क्या होगा कि ये प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई मान सकते हैं ओमेगा से, है ना। ये पॉइंट कितना दूर है, मैंने कहा 2r है, ये वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, ओमेगा इंटू 2r। अरे वैसे भी तो ओमेगा इंटू 2r जाएगी ना, क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा है कि अगर ये v से जा रही हो, ओमेगा से घूम रही हो, तो ये पॉइंट की ओमेगा आर प्लस वी आएगी। अच्छा, और v और ओमेगा आर बराबर है तो 2 ओमेगा आर आ गया ना यार, है ना लल्ला। अरे हाँ की नहीं यार, ओहो, जैसे ये पॉइंट है, इसकी रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा वी इस साइड, ओमेगा आर इस साइड, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो भैया ओमेगा आर रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट टू ओमेगा आर। और वैसे अगर अपन माने कि ये पॉइंट क्या होगी, ये क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी आपकी टू आर रूट टू हो जाएगी, रूट टू आर काइको लाला, ये आर है, ये आर है, ये रूट टू आर है, तो नेट रफ्तार क्या होगी, इसके बाद ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा आर, ओमेगा ओमेगा और आर की वैल्यू क्या है,
रूट टू आर। अरे यहाँ की आएगी नहीं आई यार, तो ऐसे ही मतलब इस वाली एक्सिस से बॉडी जो है ये एक्सिस ऐसे पॉइंट से पास होती है जिसकी नेट रफ्तार क्या है जीरो हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वहां से जीरो आ जाए, वहां से बॉडी को अपन मान सकते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन कर रही। कॉम्प्लेक्स सवाल जो होते हैं ना वो आईटीजेई एडवांस वगैरह के उसमें काम आता, दैट्स ऑल। मतलब इतनी थ्योरी है बेसिकली अगर अपन बात करें तो, मैंने ऐसे ही नॉलेज भी बता दिया, इसकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। अब अपने जो अभी तक इससे पहले पढ़ा था क्या उससे अपन प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कहा यस यस उससे कर सकते हैं और उससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मैंने कहा हाँ। इसलिए बस इतना ही पढ़ा भाई साहब, रिवीजन है, बाकी डेप्थ में कोई बहुत इंटरेस्टेड हो जिसको केवीपीआई वगैरह के लिए तो वो यूट्यूब पे जाके अपना डिटेल्स में पढ़ाया गया है वहां पे जाके देख सकते हैं। नीट के लिए उसकी कतई जरूरत नहीं है, कतई मतलब कतई जरूरत नहीं है। आपको अगर नीट में फुल मार्क्स लाने हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पीएचडी करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आइए सवाल देखते हैं, मास्टर ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसे ही मतलब जो है हमारे पास ये है प्रीवियस ईयर के 32 ईयर 1988 से लेके 2019 तक के पेपर, इनका देख लेते हैं भाई साहब इसको खोल के देखते हैं। पहला सवाल टॉर्क का था, हमने पहले बात कर दी। दूसरा सवाल नीट 2019 का एक सवाल है, नीट 2019 का, आइए देखते हैं मास्टर फेंक रहा है या फिर अपन सही बोल रहा है। 2019 का ये सवाल देखते हैं। अरे भैया हम ऐसे रेंडम उठाए हैं, सवाल नंबर वन टॉर्क का है, हो गया है, सवाल नंबर दो देख रहे हैं, हमें नहीं पता सवाल में क्या है। डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक डिस्क दी हुई, मैंने तुरंत डिस्क बना दिया और रेडियस आपको 2 मीटर दिया है, यानी कि आर की वैल्यू 2 मीटर है, बगल में लिख दिया हमने कि डिस्क है। मैंने कहा ठीक है, रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रोल्स बोलते ही मेरे मन में आया कि रोलिंग कर रही है, मैंने कहा ठीक है फिर तो चल रही होगी, घूम भी रही होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैंने कहा बढ़िया भाई साहब। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओ ले ले ले, ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, अच्छा इसको रोकना है, अगर इसको रोकना है तो इसकी एनर्जी को जीरो करना है। पहले इसके पास क्या है, पहले इसके पास एनर्जी है, चलना और घूमना दोनों हो रहा है। आप बोलेंगे साहब वी दिया ओमेगा नहीं दिया, मैंने कहा ओमेगा दिया लल्ला, ओमेगा दिया है, वी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर क्या बन जाए, 20 दिया है ना, 2 ए 20 है, 20 है, इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपके पास 1/5 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ओ अगर वी ये है तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है, क्यों लल्ला क्यों लल्ला, क्योंकि भैया रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, कुछ नहीं बोला गया है, तो कौन सा रोल से, प्योर रोल से लल्ला, तो v ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई है, v बाई आर हो गई है, 1/5 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू 2 है, 1/10 रेडियन पर सेकेंड हो गया है। अरे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी क्योंकि इसको रोकना है, तो चलना भी बंद हो जाएगा, घूमना भी बंद हो जाएगा, ओहो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर वर्क करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैंने कहा हाफ एम, अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम टोटल वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस मैंने कहा हाफ आई सी ओ एम ओ बी का स्क्वायर। अभी सीख क्या है ना यार, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिखते हैं ना, लिख लो लल्ला, ओहो 1/2 टोटल मास बोलना लल्ला, टोटल मास कितना दिया हुआ है, डिस्क ऑफ रेडियस 2, मास 100 केजी है, इसका मास आपको 100 केजी दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है ये आपका 100 हो गया है, वी सी यू एम यानी 1/25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1/2 क्या है डिस्क है, डिस्क के लिए आई क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, इस एक्सिस के अबाउट तो आपका क्या होने वाला है एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो एम की वैल्यू क्या है मैंने कहा 100 है, आर स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 1/10 स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो गया, 100 ने 100 की बत्तियां गुल कर दी और इसने इसकी यानी ये तो 1 जूल आ गया है और ये क्या आ गया है ये आपका 2 आ गया है, ओ अरे 50 लाख टोटल 3 जूल आ गया है लल्ला, कितना है 3 जूल है, 3 जूल का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3 जूल मेरे पास जो बुक है, इतना एनर्जी पहले था वो बाद में जीरो करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा लल्ला,
ओहो, कितना रद्दी सवाल, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। मैंने कहा सन 2019 में दो नीट हुआ था, एक अपना प्योर नीट हुआ था, फिर उड़ीसा के लिए अलग हो गया था क्योंकि उड़ीसा में कुछ साइक्लोन वगैरह आ गया था। नीट 2019 का उड़ीसा वर्जन देखते हैं, उड़ीसा वर्जन देखते हैं। सवाल नंबर 3 इसमें लिखा हुआ, देखते हैं भाई साहब क्या है उसमें, जो प्योर रूलिंग से रिलेटेड सवाल आया है वो देखते हैं। लाला 2020 के सवाल इस बुक में है नहीं तो वो भी हो जाएंगे यार, कुछ भी हो जाएगा यार, वो तो और रद्दी दे। 2019 उड़ीसा वर्जन देखते हैं भाई साहब नीट का। क्या था सवाल? सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, सॉलिड सिलेंडर मास आपको कितना दिया है 2 kg, रेडियस है 50 cm, लिखा हुआ है रोल्स अप मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रोलिंग बाइक बोल रहा है तो मेरे लिए प्योर रोलिंग होगी। और इंक्लाइन प्लेन, कुछ नहीं कहा गया तो प्योर रोलिंग है ना, और ऊपर की तरफ जा रहा है प्योर रोलिंग करके, इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है 30 degree दिया हुआ। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर है स्पीड, मतलब वी आपको क्या दिया हुआ है 4 m/s एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने कहा भैया वी के साथ ओमेगा भी होगा है ना, और ओमेगा होगा v/r है, v आपका क्या है, v आपका 4 है और r की वैल्यू है 50 cm यानी कि 1/2 m। ओ तो v की वैल्यू है आपके लिए 4/1/2 यानी कि 8 radian per second। बाकी इसका आई बता कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर है तो ये एक्सिस के अबाउट mr²/2 आ जाएगा, mr²/2, m की वैल्यू है 2 kg, r की वैल्यू यानी कि 1/2 का square 1/4 हो गया है, mr²/2 यानी कि ये आपके लिए हो गया है 1/4। आई की वैल्यू क्या हो गई है 1/4 हो गई है, ओमेगा मिल गया, ये मिल गया। आपसे ये पूछा गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, ओके जी को 10 लेना है। मैंने कहा भैया एल ले लो, एल ऊपर गया, मान लो कि एल ऊपर गया, एल अलोंग द इंक्लाइन गया तो यहां वर्टिकल में कितना गया है। मैंने कहा एल साइन 30 डिग्री l/2, ओके मैं वर्टिकल में क्यों इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैं ये यहां से यहां तक ऊपर जाएगा तो ये रुक जाएगा यानी कि इसकी रफ्तार 0, ओमेगा भी 0 हो जाएगा, प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो ये जो एनर्जी थी सारी की सारी वो कहां गई। मैंने कहा भैया जो काइनेटिक एनर्जी थी पूरी की पूरी कहां जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि भैया वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी का आएगा, लोग बोलिंग फ्रिक्शन भी लग रहा है। मैंने कहा क्यों, कौन सा लग रहा है? मैंने कहा प्योर रोलिंग हो रही है रुकी हुई सरफेस पे, फ्रिक्शन का वर्क डन ट्रांसलेशन वाला भी आएगा, रोटेशन वाला भी आएगा, नेट वर्क डन 0 है, इसलिए कोई परेशान होने की गति जरूरत नहीं है, नॉर्मल का 0 है। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी तो वर्टिकल हाइट में इंटरेस्ट है हमारा, तो ये मान लिया एल है, l/2 है, ओ मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली है वो कहां जाएगी। मैंने कहा mgh में, और h की वैल्यू l/2, सॉल्व करके ला जाएगा क्या। अब कोई डर है क्या मास्टर? आपको ये बता रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं तो फिर आपसे सवाल होंगे, इट्स गारंटी। ले भाई साहब काइनेटिक एनर्जी बोल, और बॉडी अगर सिर्फ टीआर कर रही हो, काइनेटिक एनर्जी हमको लिखना आता है कितनी होती है लाला, 1/2, टोटल मास कितना है इसका 2 kg, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 16 हो गया है घूमने वाला। मैंने कहा 1/2, आई की वैल्यू 1/4, बस कैलकुलेशन सही करना है, ओमेगा स्क्वायर किधर गया, ओमेगा ये रहा भाई साहब 64 = मैंने कहा mgh = mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। m कहां है लाला, ये रहा, जी की वैल्यू बोल रहा 10 ले लो, एच हो जाएगा अपने पास l/2, ओ 2 से 2 कट गया है, अच्छा भाई साहब ये 2 से 2 कट गया है, और ये आपका 4 × 2 = 8, और ये 8 हो गया है, 64 + 8 = 24 हो गया है, 24 = 10 l हो गया है। अब अंधा आदमी भी बता देगा कि 2.5 m ऊपर जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 2.4 m। अरे भाई डिस्टेंस तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही करेगा ना, तो एच पूछा गया है। बाकी अगर आपको बोला गया कि वर्टिकल में कितना रेज किया है तो 1.2 m आ जाता, उसको सॉल्व करना कोई आपके लिए टफ चीज नहीं है। लोग बोलेंगे 2019 तो इजी था, उससे पहले वाला कैसे करेगा। मैंने कहा ये देखिए चौथा सवाल इस बुक में है नीट 2018 का, किसका, नीट 2018 का, आइए देखते हैं क्या वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं सब कर लोगे रे लाला, आज तक का आया हुआ सब कोई नीट
एम्स, जिपमर, ये वो सब कुछ। हाँ, कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप टैकल कर सकते हैं आईआईटी जेई एडवांस, जेई मेन, सब कुछ है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। बाकी टीएमसी अप्लाई, अब आप जेई एडवांस का सवाल सोल्व करेंगे तो सारे सवाल तो आपके पास अटेम्प्ट से होंगे नहीं, तो आपको पता है कि कट ऑफ उनकी अपनी तरह से नहीं होती है कि 700 नंबर ले आओ कट ऑफ, मतलब 700 नंबर, 720 में 720 नंबर थोड़ी लगते हैं जेई एडवांस। और पर आप टैकल तो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं। नीट 2018 देखिए जरा क्या सवाल है ये। ये सवाल वो है कि ये सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। इन रोलिंग मोशन बॉडी पोजेस ट्रांसलेशनल मोशन KT है, रोटेशनल मोशन KR है, रेशियो ऑफ दिस कौन है लाला, कौन है जो प्योर रोलिंग कर रहा है, इनका कोई है जो कर रहा है, कौन है? सॉलिड स्फीयर है, कौन है? सॉलिड स्फीयर है, इसके पास ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, भाई साहब बोल रहे हैं। ये देखो, अब ये देखो नीट वालों के फेवरेट KT डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। मैंने कहा लल्ला, अगर ट्रांसलेशनल की बात करोगे, मास m है, i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr स्क्वायर और बाकी भी इज इक्वल टू ओमेगा r है। प्योर रोलिंग ट्रांसलेशनल, मैंने कहा हो गई 1/2 mv² ओके, 1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा² 1/2 i ओमेगा² i की वैल्यू क्या है? 2/5 mr² ओहो, 1/2 i ओमेगा² और ओमेगा खुद ही क्या होगा? मैंने कहा v/r ओके, v² / r² अरे ये क्या हुआ है? r² से r² कट गया, अरे सारा हाफ से हाफ कट गया क्या? m से m कट गया क्या? ये क्या हो गया है? ऊपर है v² नीचे है आपके लिए v² प्लस, मैंने कहा प्लस है 2v² / 5 5 यहाँ भेज दीजिए, ऊपर 5 ले जाइए, 5v² / 7v² अरे ये क्या हुआ? ये तो 5:7 आ गया है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी में दिखाई देगा। रद्दी आथू, मतलब मैं आथू इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सवाल आपको मिलेंगे, मतलब ऐसे खूब सवाल मिलेंगे, उल्टा कर देगा नया सवाल बनाना तो उल्टा कर देगा, 7:5 आएगा। कभी यहां पे KR लगेगा KT+KR, कभी KT/KR का रेशियो बताओ, अबे कभी सॉलिड स्फीयर की जगह सॉलिड सिलेंडर डाल देगा, कभी होलो स्फीयर डाल देगा, साले कर लेगा ना, नहीं कर पाएगा। हट, ये कर ले यार, क्रीम आउट ऑफ क्रीम है यार, बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट करके लाए हम हिंदुस्तान के। ये सब चंपू सवाल आते हैं इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहती है, अपने को वो सब टेंशन नहीं लेना कि क्या आ जाती, हमसे सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में, बस ये कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए और क्या कैसे सवाल है, जरा ध्यान से देखें, कोई और इसके लाइक का दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं नीट 2016 का, हमने इंक्लाइन प्लेन वाला कोई देख लेते, नीचे कौन आएगा पहले, ये कब आएगा, जरा ध्यान से देखिए नीट 2016 क्या चीज, नीट 2016 दो हुआ था क्या, कोई बात नहीं, नीट 1 2016 क्या सवाल है? अ डिस्क एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल्स ऑन टू इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम अल्टीट्यूड एंड लेंथ है। अच्छा इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल, अल्टीट्यूड सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक डिस्क है, एक क्या है, एक तो आपके लिए डिस्क है यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन क्या है, रेडियस सेम है यानी ये आर, और मास मान लो m1 है, और दूसरा आपके पास क्या है, एक डिस्क है, और दूसरा वाला है स्फीयर, क्या है, स्फीयर है, मास मान लो m2 है, रेडियस सेम है, सवाल बोल रहा है। और टू इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट गेट द बॉटम फर्स्ट है, यानी कि ये हाइट दोनों के लिए सेम है और ये वाली लेंथ भी सेम है, कौन पहले आएगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि हमारे लिए एक्सेलरेशन होगा g sin θ / 1 k² / r² / k² / r² मैंने कहा जी साइन थीटा सबके लिए सेम है, 1 दोनों के लिए सेम है, आर स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, जिसका k² ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, यानी जिसका k ज्यादा होगा।
अच्छा डिस्क वाले केस में अगर अपन बात करें, डिस्क वाले केस में तो डिस्क के लिए क्या होता है M1। अच्छा भारी वाली कुछ दिया है क्या? देख लेंगे डिफरेंट M1 डिस्क के लिए आपके के पता करना है, तो M1 R² / 2 इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू आपके लिए M1 K² है, M1 से M1 चला गया, K फॉर डिस्क, डिस्क के लिए K कितना आ रहा है? R/√2 आ रहा है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सब कुछ दोबारा निकाल रहा हूं। स्फीयर के लिए बात करेंगे तो भाई साहब क्या है? सॉलिड स्फीयर है, कुछ नहीं बोला गया, सॉलिड मान लिया मैंने। 2/5 MR² इज इक्वल टू MK² m वही होगा जो इसका टोटल मास है। M2 से M2 कट गया, K की वैल्यू आ रही है R√2/5। ये क्या है? मैंने कहा स्फीयर है। K किसका ज्यादा है भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें तो स्फीयर के लिए K कम है, यानी K आपका किसका ज्यादा है? डिस्क का K ज्यादा है कंपेयर टू K ऑफ स्फीयर। जिसका K ज्यादा होगा एक्सेलरेशन, भाई साहब एक्सेलरेशन, जिसका K ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कम है एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर से। अच्छा जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन कम है, इसको एक्सेलरेशन कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ऑफ डिस्क विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ स्फीयर। अरे भाई दूरी तो सेम ही कवर करनी है, यानी कि आपको जब S=UT+ ½AT² लगाएंगे, ये तो जीरो हो गया है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, क्योंकि S तो L दोनों के लिए सेम है। टाइम डिस्क को ज्यादा लगेगा स्फीयर के कंपेयर में। तो बोल रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग टू स्फीयर गेट टू द बॉटम प्लेन फर्स्ट। मैंने कहा टाइम डिस्क को ज्यादा लगा स्फीयर को कम लगा, तो स्फीयर पहले आ गया ना यार, स्फीयर पहले आ जाएगा। पहला ऑप्शन है बोथ रीच द सेम टाइम, मैंने कहा गलत। डिपेंड ऑन देयर मासेस, मैंने कहा गलत, क्योंकि के मास पे डिपेंड नहीं करता, के में तो आपको I=MK² करेंगे m अपने आप कट जाएगा। डिपेंड ऑन देयर मासेस, गलत बात बोल रहा है सी ऑप्शन डिस्क। मैंने कहा नहीं, डिस्क को कम टाइम लग रहा है, डिस्क को ज्यादा टाइम लग रहा है, डिस्क बाद में आएगा स्फीयर पहले आ जाएगा। ऑप्शन डी स्फीयर इज द आंसर, स्फीयर कम टाइम में कौन आएगा? मैंने कहा स्फीयर पहले आएगा फिर डिस्क आएगी। अरे यहाँ की नहीं यार, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुल मिला के मास्टर आपको क्या बताना चाह रहा है कि भैया बहुत आसान है सारा कार्यक्रम, बहुत ही आसान है। आप बोले कोई सा भी सवाल उठा लो यार, कोई सा भी सवाल आप चाहें उसको उठा लें, ओ हो कोई सा भी उठा लें यार। आप बोलो एक आध और उठा लेते हैं। नीट 2014 का इसमें रोलिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 14 का क्या है ये जरा देखते हैं। कुल मिला के मास्टर आपको विश्वास दिलाने में सफल हो रहा है, और आप खुद जब ट्राई करेंगे तो आपको ये विश्वास होगा कि आप प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये पूरा आप मतलब रिटर्न गारंटी दे सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का करेंगे तो भैया नेक्स्ट ईयर का भी कर ही पाएंगे ना यार, इस साल वाले नीट का भी कर लेंगे। बस ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बाकी चीजों को रिवाइज करते रहें, है ना, मतलब आपके टिप्स पे होनी चाहिए सारी बातें, एकदम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए यस मुझे सब कुछ आता है और मैं एग्जाम में उसको सही से अंजाम तक पहुंचाने में कैपेबल हूं, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, एक सवाल लेते हैं, बहुत शानदार एक सवाल है 2014 का, 2014 नीट या जो भी था BIPMT। रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग। अच्छा कितना लल्लू सवाल है, ऐसे रैंडम देख ले तो बहुत ही, बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें क्या है एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है रेडियस r है, पहली बार में वो प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है तब एक्सेलरेशन a है, और दूसरी बार में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये मास m को यहां पे रख दिया सॉलिड स्फीयर को, है ना। तो भाई साहब ये बिल्कुल एकदम रोलिंग करने वाला होगा, नहीं फ्रिक्शन के बगैर तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे टॉर्क तो लगेगा ही नहीं। ओ तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन होगी उसकी g sin थीटा 1 k² / r² और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मैंने कहा भैया g sin थीटा क्या हो जाएगी, g sin थीटा। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा इधर लगेगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। क्या फ्रिक्शन है क्या, सवाल क्या बोल रहा है, कहा गया सवाल, गायब हो गया। हाँ विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग इज बोल रहा, अच्छा रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग इज, विदाउट रोलिंग बोल रहा है, रोलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब घूम नहीं रहा है। अगर घूम नहीं रहा है
तो बिल्कुल स्लिप होते हुए आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक्सेलरेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई। अच्छा एक बात बताइए, म्यू आपको दिया है क्या? नहीं दिया, क्योंकि मैं ना म्यू होता तो फिर इसमें म्यू एम जी कॉस थीटा भी उधर लग रहा होता, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होता, म्यू नहीं दिया है तो बात बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि फ्रिक्शन पे है नहीं। जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए जी साइन थीटा से, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गया है, यानी ये वैल्यू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, के की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एम के स्क्वायर है, यानी के की वैल्यू 2 बाई फाइव एम आर स्क्वायर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस 2 बाई फाइव एम आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कट गया है, तो ये हो गया आपका 7 और ये 5 बाई 7 आ गया, 5 बाई 7 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, टिक करके आप आगे बढ़ सकते। कितना लल्लू है भाई, ये तो फिर भी टफ में आता है, मतलब बहुत ही आसान सा पेपर आता है मास्टर, बस आपको बार बार और भी आप बोले तो कोई भी सवाल उठा लें प्रीवियस ईयर का, किसी में भी कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये वो, तो आप उस तरह के तमाम सवाल मतलब जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए 32-33 इयर्स के, यानी कि सन 2020 तक के तमाम प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करें। आप थोड़े टफ करने तो आप फिर एम्स वाले भी सॉल्व कर डालें, एआर वाले सवाल को अभी स्किप कर लें क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से एआर वाले सवाल हमारे आते नहीं है, थोड़े से कंफ्यूजन होता है ए एंड बी ऑप्शन में, बाकी आप सिंगल करेक्ट वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बात ये है, मतलब जो की पॉइंट है यहाँ पे वो ये कि आपको अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए और प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप जो है एग्जाम में बिल्कुल घबराएं नहीं, आप ऐसे सवाल देके खुश हो जाएंगे बिल्कुल भाई साहब ऐसे बहुत सारे किए बस मुझे सिर्फ कैलकुलेशन सही करनी है ना, वैसी वाली फील अगर आपके अंदर आएगी तो फिर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप प्रैक्टिस के लिए बुकलेट के जो पहले सवाल सॉल्व किए थे उसको दोबारा सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर तमाम सॉल्व कर डालिए नीट एंड एम्स के, और आपको जो रिविजन की डीपीपी दी गई है यानी रिविजन के लिए जो बुकलेट दी गई है उनको सॉल्व कीजिएगा, एक टॉपिक पे जितना हो सके मैक्सिमम और वैरायटी के सवाल सॉल्व कीजिए ताकि एग्जाम में आने वाला सवाल तुझे सिर्फ देखा हुआ दिखाई दे, सिर्फ डेटा चेंज होगा यार, सॉलिड स्फीयर की जगह होलो स्फीयर डाल देगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान आते हैं इसमें, कोई दोराय नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपसे ज्यादा मुझे आप पे विश्वास है कि आपको वही सब आता है, बस आपको है ना कैलकुलेशन सही करके एग्जाम में उसको सही से डालना है ना। अजय कुमावत बताता है वो अलग इतनी गलतियां करता था, उतने नंबर उसके नहीं आते थे, लेकिन वो बोलता है कि जब है ना मैंने नीट का सब जिस दिन एग्जाम दिया था उस दिन मुझसे सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मैं लिखता रहता था कि सिली मिस्टेक्स टेस्ट में कैसे हो रही और मतलब जो है जो फाइनल एग्जाम था उस दिन मेरे से कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई तो मैं 700 प्लस नंबर अचीव कर पाया, क्योंकि उस दिन थोड़ा भाग्य ने साथ दिया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनती लड़का था तो भाग्य उनका साथ देता है जो अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। बाकी आप अच्छा काम करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिएगा ताकि भगवान भी आपका साथ देता रहेगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और बिल्कुल मोटिवेटेड रखिए अपने आप को, है ना। अगर आप 12वीं के विद्यार्थी है तो आपका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम फोड़ देंगे, और अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो भी आपका जुनून उतना होना चाहिए कि कोई बात नहीं पिछली बार हम नहीं कर पाए लेकिन इस बार इतना अच्छा स्कोर लाएंगे कि बेहतरीन से एम्स में हम जाएंगे, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मास्टर चलता है, नए चैप्टर में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।